फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप 12 वोल्टेज की किसी भी खराब पड़ी हुई बैटरी को घर पे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। देख पा रहा हूं यहां पे जो बैटरी हमारे पास है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, इसकी एक यहां पे लेग भी टूट चुकी है। तो इसे मैं इस वीडियो में रुको जरा सबर करो। चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इसे किस तरीके से रिपेयर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इस बैटरी को चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें इस टाइम कितना वोल्टेज आ रहा है ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो बैटरी वो पूरी तरीके से डेड है कि नहीं। तो मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैटरी उसका एक लेग यहाँ पर टूट चुका है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो कॉपर का यहाँ पर कनेक्शन होता है उसे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको इसमें चेक करके दिखा सकूँ। और दूसरी लेग को भी मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से घिस लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.16 के करीब। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इन्वर्टर का पानी यूज कर रहा हूँ। जो इन्वर्टर की बड़ी बैटरी होती है उसमें से मैंने सुरंज की मदद से यहाँ पे निकाल लिया पानी। तो ये पानी आपको यूज करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको मेडिकल शॉप से इस तरीके का एक सुरंज ले लेनी है। ये आपको 2 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इसे नया यूज करना है, आपको पुराना बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इसके बाद में आपको इसमें आधा आधा इंजेक्शन आपको इसमें डाल देना है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये पानी डालना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सारे जो 6 यहाँ पर छेद हैं इसके उसमें आधा आधा इंजेक्शन यहाँ पर पानी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो लीड एसिड होता है वही ये जो इन्वर्टर के अंदर पानी यूज होता है, इससे ये बैटरी यहाँ पे अच्छे तरीके से रिपेयर हो पाएगी। तो चलिए मैं इसे इसके सारे यहाँ पे जो छेद हैं उसमें डाल देता हूँ पानी। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको जिस तरीके से आपने इसे ओपन किया है उसी तरीके से आपको इसके सारे कैप यहाँ पर वापस से लगा देने हैं, ईजिली यहाँ पर सेट हो सके और बाद में निकले ना। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इसे इस तरीके से यूज नहीं करना है, आपको इस पर जो एम सील होती है वो आपको लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसे जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ठीक है। तो चलिए अब मैं इसमें एम सील लगा देता हूँ ताकि ये बाद में निकले ना। तो एम सील को फ्रेंड्स, आपको आपस में मिक्स करके इस तरीके से आपको इसकी साइड में आपको भर देना है। इसके बाद ये सूख जाएगी तो उसके बाद में ये बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे कम से कम 1 घंटे के लिए आपको 12 वोल्टेज के चार्जर से आपको इसे चार्ज कर लेना है। उसके बाद में ये बैटरी पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसे बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसे चार्ज पर लगाना है। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट के एडाप्टर से इसे चार्ज कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और हमारी जो बैटरी वो यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारी बैटरी यहाँ पर रिपेयर हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर में इस टाइम 12 वोल्ट शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे 12.6 के करीब इसमें वोल्टेज शो कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसे एक डीसी मोटर चला के दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि इसमें पावर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं इसके अंदर। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो डीसी मोटर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी बैटरी को घर पर इजीली रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।